Welcome, students, to this series of lectures. We'll try to know about different aspects of the Constitution in these lectures. When the Constitution was made, which institution was involved in making the Constitution, what are the main sources of Indian Constitution, from which Constitution of the world, which things were included in it. Dear students and viewers, let's find out all these things from today's lecture. Stay with me till the end of the lecture. तो जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं, इनमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि आयन हिंद को बनाने में जिस तरह से कौन कौन से अवामिल थे, कौन सा इदारा था जिसने आयन हिंद को मरतब किया, कौन कौन से लोग थे या कौन कौन सी कमेटियाँ थी, किस किस कमेटी के को क्या काम तफवीज किया गया. तो हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं. तो 11th क्लास जो हमारा पार्ट ए है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क फॉर क्लास 11th, यूनिट फर्स्ट इसका है, चैप्टर फर्स्ट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही उसको लेके हम जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. तो अरे बच्चों, इसमें देखते हैं हम. तो मैं आपका ऑनलाइन टीचर इश्फाकुन्नेसा सामून, एकेडमिक ऑफिसर हूँ मैं SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स J&K. हमारा डिविजनल ऑफिस है श्रीनगर कश्मीर में. तो आप मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं. यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई ई मेल ID samoonishfakunnam@gmail.com या मेरे सेल नंबर पर जो यहाँ पर विजिबल है 7889425720. तो मेजर टॉपिक जिस तरह से हम जानते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन किस तरह बनाया गया, आइन बनाने का जो तर्ज रहा, तरीका रहा, वो क्या रहा. तो ये स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास के लिए है जो एफिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो हमारा मकसद है बुनियादी, जो हमारा मकसद व मुद्दा है जिसके तहत हम ये पढ़ाने जाते हैं, वो है कि इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को हम 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स से उनको इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम उनको ये जानकारी दें कि जो आईन है किस तरह बनाया गया, इसके जो मुख्तलिफ पहलू थे कि कौन कब ये आईन मुरतब हुआ, आईन हिंद कौन सा इदारा इसमें मुलविस था या शामिल था जिसने आईन हिंद को बनाया, उसको बनाने में अपना अहम रोल अदा किया. व्हाट वर द मेन सोर्सेज, जो हमारे जराए थे मुख्तलिफ जराए आईन को बनाने में, वो कौन कौन से थे या कौन सा आईन था वर्ल्ड का, दुनिया के कौन कौन से वो आइन थे जिनमें से मुख्तलिफ चीज़ें ली गई, एज ए सोर्स जिसको हम कहते हैं. तो ज़्यादा बच्चों देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स फ्राम दीज फ्राम द सीरीज ऑफ दीज लेक्चर्स. तो चलो बच्चों देखते हैं हम आगे. तो लेक्चर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट है मेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट ऑफ इसमें टॉपिक्स हैं. वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें आइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है या मुल्क को आइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो भी देखेंगे. उसके बाद हमारा जो दूसरा इसमें पहलू है, व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू, आईन हमें क्या देता है या मुल्क को क्या देता है. तीसरा जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है, हु मेड ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, आईन को किसने मुरतब किया, किस इदारे ने मुरतब किया. इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा इसमें पहलू है, हाउ डिड द पार्टीशन इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तकसीम हिंद की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का एक रोल था, उसमें क्या मुजिर असरात मुरतब हुए, वो भी देखेंगे. और नेक्स्ट हमारा जो है वो है मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईन हिंद के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो क्या क्या थे.
चले बच्चों चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आईन क्या चीज़ है। तो जिस तरह जानते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज रन इज टू बी रन। तो आईन जो है ये एक कानून की किताब है जिसके ज़रिए से हम देखते हैं मुल्क की तो जो इंतज़ामिया है या रियासत की जो निज़ाम है उसको चलाने में मदद मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंसिडर्ड एज ए फॉर्मल सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो आइन को तस्लीम किया जाता है, माना जाता है कि जो भी पावर या अथॉरिटी हासिल की जाती है किसी भी इदारे के लिए या कोई भी इदारा करते हैं वो आइन से करता है, कानून से करता है। हुकूमत का मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो इसी आइन से अपने जो है पावर्स इख्तियारात देते हैं। डिक्लेयर द पावर ऑफ पर्टिकुलर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, तो आइन में बताया गया है कि किस एजेंसी का काम क्या है। सपोज अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट कराना, और फिर हम देखते हैं जुडिशरी का काम जो है वो उसको इन्फोर्स कराना, लागू कराना। तो इसी तरह से मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ स्टेट, जिस तरह जानते हैं ये एक अहम और कलीदी जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क विद इन विच ए गवर्नमेंट हैज टू वर्क। जो मुख्तलिफ कवानीन होते हैं आइन के अंदर जो दिए गए होते हैं वो एक लाहे अमल मुरतब करते हैं, वो ये एक तरतीब देते हैं, लाहे अमल देते हैं गवर्नमेंट के लिए, जिसके जरिए हुकूमती वक्त जो है उस पर मुल्क को चलाने के लिए या मुल्क के मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए उस पर काम करती है आइन के अंदर रहकर। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम, इसका हिस्टोरिकल थोड़ा सा ब्रेकडाउन, कब बनाया गया। तो इसके लिए हमें थोड़ा तवारीख का मुताला करना पड़ेगा, तारीख की तरफ जाना पड़ेगा। पहला जो है 1928, तो इसको हम फेमस ये इस लिहाज से इसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो जब रिस्पांस दिया गया साइमन कमीशन का जो वहाँ पर आया था उसको रिस्पांस दिया गया, उस चैलेंज को जो साइमन कमीशन दे दिया था इंसान को कि आप आइन को ड्राफ्ट करेंगे, तो ये तमाम जो उस वक्त पार्टियां थी, जो भी उस वक्त रेजिस्टेंस पार्टियां थी, तो उन्होंने मिल बैठ कर क्या किया, द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कन्विंड एंड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन फरवरी 1928। उन्होंने एक वहाँ पर इजलास बुलाया तमाम पार्टीज का, बैन जो मुल्की तंजीमें थी, मुख्तलिफ तंजीमें जो सियासी तंजीमें, उनको वहाँ पर बुलाया उस कॉन्फ्रेंस के लिए फरवरी 1928 में, 1928 में। तो जिसमें 29 के करीब पोलिटिकल पार्टियाँ थी, उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। द कॉन्फ्रेंस अपॉइंट ए कमेटी अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने वहाँ पर मिल बैठ कर, उन्होंने 29 जो सियासी जो जमातें थी उन्होंने मिल बैठ कर वहाँ पर अपॉइंट किया एक कमेटी को, जिसके जो प्रेजिडेंट थे वो मोतीलाल नेहरू थे, ताकि मुल्क के लिए ड्राफ्ट जो है आइन मुरतब किया जाए। तो इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी, नंबर एक वो था कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेट्स दे देना, डोमिनियन स्टेट्स टू इंडिया, इसकी वकालत की गई थी। इन इंडिया जो वो लीडर्स थे या पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने वहाँ पर कहा ब्रिटिशर से कि हम ब्रिटिश इसके तहत लेकर, ब्रिटिश डोमिनेंस में रहकर वहाँ पर लेकर एक डोमिनियन स्टेट्स लेना चाहते हैं। तो उसी तरह से दूसरा उनका उनकी जो डिमांड थी वो थी ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी प्रोविंस को मिलनी चाहिए। तो इसमें इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, वो आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो दूसरा जो इसकी आइन की जो लैंडमार्क है, शुरुआत है, वो 1934 में हुई कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाने का जो ख्याल था, वो आइडिया दिया गया, वो एम एन रॉय की तरफ से पेश किया गया। उसमें बहुत सारे लोग और भी शामिल थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का जो मुरतब करेगी आइन हिंदुस्तान के लिए वो वहाँ पर दिया उन्होंने। इस तरह से हम देखते हैं 1935 में, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने इसकी डिमांड की, आइन को बनाने की डिमांड जो की
वो अफशद तरीके से उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखी, डॉक्यूमेंट्स पेश किए और फिर उसकी वकालत की। तो फिर आगे आते आते 1940 में इसको एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर कब एक्सेप्ट किया, अगस्त में, जिसको हम फेमस अगस्त ऑफर कहते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ आप अपने लिए आइन बना सकते हो। तो फिर 6 साल बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी तश्कील दी गई, उस असेंबली को बनाया गया। किसके तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। जो कैबिनेट मिशन वो ब्रिटिश बरतानिया से आया, उन्होंने हिंदुस्तान को, उनकी जो वहाँ पर लीडर्स थे उनको वहाँ पर आइन बनाने के लिए कहा। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के कुछ गुजारिशात थी। तो उसके तहत उस दायरे इख्तियार के अंदर बैठकर एक इजाज़त दी गई आइन बनाने के लिए। तो फिर हम देखते हैं 9 दिसंबर 1946, उस सीनियर जो हमारे मेंबर थे इस असेंबली के, डॉक्टर सचिन सिन्हा, उनको वहाँ पर पहले प्रेसिडेंट जो है सदर के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर उनको नामजद किया गया। लेकिन साथ ही आप 2 दिन के बाद जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको वहाँ पर बनाया गया। तो साथ ही वाइस प्रेसिडेंट जो थे एस सी मुखर्जी थे, उनको बनाया गया, नामजद किया गया। एडवाइजर जो थे बी एन राव, वहाँ पर उनको बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तशकील की गई ताकि आने वाले दिनों में जो है हिंदुस्तान के लिए एक अलग अलहदा आइन मरतब किया जाए। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, उसमें मकासद थे कि क्या क्या मकासद होंगे, ना कि किस तरह का आइन होना चाहिए, और लोगों के लिए क्या क्या सहूलियात उसमें होंगी, रियासतों के लिए क्या क्या सहूलियात होंगी, तरक्याती कामों के लिए क्या क्या वहाँ पर रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव वहाँ पर रखे गए, जो पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, जिसमें जो फिलासफी है आइन की, जो जिस्ट है आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बयान किया गया था। तो फिर ये मुख्तलिफ कमेटियाँ वहाँ पर तश्कील दी गई, जो हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई, उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनको बनाया गया। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू उनके, उसके चेयरमैन रहे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थे उसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू रहे। स्टेट कमेटी जो बनाई गई वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे। एडवाइजरी कमेटी जो थी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जो अकलियतों के लिए वहाँ पर वो उनके बुनियादी हकूक की वकालत कर रहे थे, उसके जो चेयरमैन थे सरदार पटेल को बनाया गया। इसी तरह से स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके ये बनाए गए चेयरमैन। इस तरह रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी उसके भी जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। तो साथ ही हम देखते हैं 2 साल तकरीबन, इट टुक 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज टू कम्प्लीट द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, तकरीबन 13 दिन कम 3 साल मुकम्मल है वो आइन को बनाने में, मुरतब करने में लगे। इट वॉज एडॉप्टेड एंड एक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इसको वहाँ पर बनाया गया और मुकम्मल किया गया इस ड्राफ्ट को 26 जनवरी 1949 को, एंड वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, और इसको 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। द डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, हर साल इसको योम जमहूरिया की तरफ पर मनाया जाता है। तो ऑरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को बनाया गया, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स उसमें थे और 8 शेड्यूल्स। तो ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे, पार्ट्स का, आर्टिकल्स का या शेड्यूल्स का, आगे हम देखेंगे। तो प्रेजेंटली जो है पोजिशन है आर्टिकल्स की, वो 448 हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। तो ऑलमोस्ट जो है 104 जो तरामीम है, अमेंडमेंट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन में टिल डेट हो चुकी हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। तो पार्ट फर्स्ट हमारा था टॉपिक, वो कंप्लीट हो गया। मैं दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। तो हमारा जो असेसमेंट जो पोर्शन है, वी विल डू असेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। बाय।